एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि घर बैठ के आप कैसे आसानी से अपना हेयर डाई कर सकते हैं। तो अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले जो दो ट्यूब मैंने आपको दिखाई हैं वो है फ्रामेसी ब्रांड की और शेड है 7.3 एंड 8.3। साथ में मैंने लिया है 30 वॉल्यूम, जो 30% वॉल्यूम है जो मैं इस ट्यूब के अंदर मिक्स करूँगी। जो ट्यूब है वो दोनों को मिला के जो क्वांटिटी ली है वो मैंने हाफ ट्यूब ली है और जो मैंने पूरी बॉटल ली है 30 वॉल्यूम की। उन सन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें वो अप्लाई करना है अपने बालों पे। यहाँ मैं पार्टीशन कर रही हूँ, पार्टिंग कर रही हूँ अपने हेयर की ईयर टू ईयर क्राउन एरिया पे। अभी मैंने एक साइड पे पार्टिंग कर ली है और उसे क्लिप से मैंने होल्ड कर दिया है अपने बालों को। अब दूसरी साइड पे भी मैं सेम उसी तरह से कर रही हूँ, अपने बालों को ट्विस्ट कर रही हूँ, उसे रोल करके और ऊपर करके मैं क्लिप से इसे टाइट कर दूँगी। पार्टिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम कलर एप्लीकेशन करें बालों में तो हमें आसानी हो, हमें पता हो कि हमें किस जगह पे कलर लगाना है, किस जगह पे कलर सही से नहीं लगा है और किस जगह पे कलर की मज़ीद ज़रूरत है। तो पार्टिंग से आसानी आपको ये हो जाती है और पार्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास कोई भी घर में कॉम हो आप उससे पार्टिंग आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफ़िक चीज़ से ही पार्टिंग करें। जितनी आसानी आप अपने लिए कर सकते हैं आप उतनी आसानी से अपना काम करने की कोशिश किया करें। यहाँ पर मेरे बाल थोड़े से उलझे हुए हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैंने शैम्पू किया था और शैम्पू के बाद थोड़े से बाल जो होते हैं उस वक्त ड्राई हो रहे होते हैं, तो यही हाल मेरे बालों के साथ अभी इस वक्त हो रहा है। फ़िलहाल मैं इसको सुलझाने में लगी हुई हूँ और अब ये सुलझ गए हैं। अब मैं पार्टिंग दोबारा से करूँगी, बैक साइड से दोनों साइड से इसको हाफ़ करूँगी और एक एक लेयर मैं छोड़ूंगी। एक लेयर छोड़ने के बाद मैं फिर उसकी पार्टिंग करूंगी, ट्विस्ट करके उसे क्लिप कर दूंगी। नीचे की लेयर मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, नीचे की लेयर से मैं अपना हेयर एप्लीकेशन करना, कलर एप्लीकेशन करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ से मैंने ले लिए हैं, अब मुझे इसे भी क्लिप करना है। दूसरी साइड से लूँगी, उसे भी सेम इसी तरह से क्लिप करूँगी, नीचे एक लेयर छोड़ दूँगी और फिर मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी अपने कलर एप्लीकेशन की और फिर मैं नीचे वाली लेयर से कलर अप्लाई करना शुरू करूँगी। हमें साथ में ग्लव्स लेने हैं, ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है ताकि केमिकल से आपके हाथ प्रोटेक्ट रहें। ये मैंने लिया है सैनिटरी ग्लव, ये थोड़ा मोटा ग्लव होता है और अच्छा ग्लव होता है, ये फटता भी नहीं है ड्यूरिंग एप्लीकेशन। उसके बाद अब हमें अपनी कलर एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने बोल लिया है, ब्रश लिया है, अपनी प्रोडक्ट इसके अंदर डाली है और इसका इसे अच्छी तरह से स्मूदली मैंने इसको पेस्ट कर बना लिया है। आप कोशिश करिएगा कि इसके ग्रैनुअल ना रहें, एक स्मूथ पेस्ट बने ताकि आपको लगाने में आसानी हो। इसी तरह से मैंने भी किया है, एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, अप टू डाउनवर्ड कर रही हूँ, अप टू डाउन, और ये मसाज के वे में कर रही हूँ। जिस तरह हम अपना हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरह से उसी वे में मैं कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ ताकि जो मेरे हाथों की हीट है वो मेरे बालों पे जाए, बालों पे जो प्रोडक्ट लग रही है उसमें जाए। और हीट लगने से क्या होता है, आपका कलर जो है वो अच्छी तरह से इन्हेंस होता है। तो यही काम यहाँ पर मैं भी कर रही हूँ, हर लेयर ले रही हूँ, हर लेयर पे अपनी प्रोडक्ट लगा रही हूँ और उसको मसाज के फॉर्म में मैं अप्लाई कर रही हूँ बालों में। इसी तरह से मैं लेयर लेती रहूँगी और अपने पूरे बालों पे कलर एप्लीकेशन करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रंट की लेयर ली है, अब मैं फ्रंट की लेयर पे कलर अप्लाई कर रही हूँ। मेरी एक साइड हो गई है, दूसरी साइड भी हाफ हो गई है, सिर्फ क्राउन पार्ट दूसरी साइड का रह गया है, वो भी अभी हो जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। कलर करने से पहले आपके बाल शैम्पू से बिल्कुल वॉश होना ज़रूरी है। गंदे बालों पे कभी भी कलर मत लगाइएगा, अगर लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैंने भी कलर लगाने से पहले अपने हेयर वॉश किए थे, लॉरियल का मैंने लिया था कलर प्रोटेक्ट शैम्पू और उससे मैंने
अपने बालों को वॉश किया था और उसके बाद ड्राई करके मैं अपने बालों पे कलर अप्लाई किया है। सेम आपने भी यही करना है। कलर अप्लाई करने के बाद भी आपको शैम्पू करना होता है और उसके बाद एक हेयर मास्क वो अप्लाई करना होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा सारा कलर डन हो गया है। नीचे देख रहे होंगे कि मेरे नीचे के बाल ज़्यादा लाइट हैं, तो मैं उन पे ज़्यादा कलर लगा रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह से उस लाइट वाले पार्ट पे काम कर सकें। यहाँ मेरा कलर डन हो गया है। बालों को ट्विस्ट करके मैं ऊपर की तरफ इसे क्लिप कर दूंगी। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे शावर कैप और मैं पहनूँगी शावर कैप फॉर अबाउट 15 to 20 minutes। शावर कैप मैं इसलिए पहन रही हूँ ताकि मेरे बालों को हीट मिले और उस हीट की मदद से मेरा कलर मज़ीद इन्हेंस हो। जैसे मैं हाथ से मसाज कर रही थी उससे भी हीट मिल रही थी और इससे भी। कलर कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ लॉरियल से अपने हेयर वॉश किए। उसके बाद मैंने 5 मिनट्स के लिए अपने बालों पे फ्रेमेसी का ही रीजनल हेयर मास्क लगाया और लगाने के बाद उसे वॉश कर लिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेरे बाल वॉश हो चुके हैं। अब मैं हेयर ड्रायर कर रही हूँ। ये मेरा रेमिंगटन का हेयर ड्रायर है और रेमिंगटन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, उसके हेयर स्ट्रेटनर भी और हेयर ड्रायर भी। मेरा जो शेड था बालों का वो लाइटर टोन था और मुझे डार्कर पे जाना था, तो यहाँ मेरे बाल डार्क हो गए हैं। रिजल्ट आपके सामने है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए स्टे ट्यून्ड।